म्यूजियम में कम से कम 15,000 आर्टिफैक्ट्स हैं, यू बिलीव इट 15,000। This museum was established on 1962, which is a collection of Dr. Dinkar Kelkar. और ये म्यूज़ियम उनके बेटे राजा दिनकर केलकर की मेमोरी में बनाया गया था। ये 3 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग में कई तरह के आर्टिफैक्ट्स आपको दिखेंगे जो कि हमें 14th century की याद दिलाता है। तो अभी आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। तो इस म्यूज़ियम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्राउंड पे है ब्यूटी कल्चर, फर्स्ट पे है यूटेंसिल्स गैलरी, सेकंड पे है टेक्सटाइल गैलरी और लास्ट और थर्ड फ्लोर पे है स्पेशल एग्जीबिशन। तो मेक श्योर आप ये पूरा बिल्डिंग एकदम आराम से देखें। ये याली का स्टैचू है जिसे एविल क्रशर बोलते हैं। ये 18th century से जो कि साउथ इंडिया से पाया जाता है। यहाँ पर प्योर सैंडलवुड के आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं। ये देखो यहाँ पे सिल्वर ऑर्नामेंट्स का कलेक्शन भी है यहाँ पे। तो आई वंडर अरे इतने हैवी ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते होंगे उस टाइम में, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये देखो ये पैर के हैं, पैर के कड़े। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कलेक्शन ये वाला लगा, ये परफ्यूम्स की बॉटल है उस टाइम की जिसे इत्र ऐसा बोलता है। यहाँ पे पुराने ज़माने की तिजोरी भी है, मतलब सेफ, जो कि आयरन और ब्रास से बनाई जाती थी और काफ़ी हैवी है। मैंने टच करके भी देखा, काफ़ी मज़बूत भी है। अल्सो यहाँ पर डाउरी बॉक्स भी है, तो इसमें डाउरी भर कर देते होंगे शायद, काफ़ी बड़ा है। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जिबिट ऑफ द म्यूज़ियम, जो कि 1920 में ये फर्स्ट कलेक्ट किया गया था, जो कि फर्स्ट चीज़ है ये कलेक्शन की। बाकी ये सब मिरर है। ये पुराने ज़माने का जाता है, जिस मराठी में इसको जाता बोलते हैं, तो चक्की पीसना। और ये देखो ये पुराने ज़माने का वुडन लैम्प है। अरे इतने बड़े लैंप। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखो ये समई है, तो लैंप भी बोलते हैं ऑब्वियसली इसको। यहाँ पर 19th century का चरखा भी है, स्पिनिंग व्हील बोलते हैं इसे। और ये यहाँ पर पुराने ज़माने में जोडियक साइंस कैसे फाइंड आउट करते थे, उनका राशि भविष्य। आई वंडर कैसे करते होंगे ये। ये देखो साइंस दिख रहे हैं आपको, सब ऑल राउंड जोडियक साइंस है। पता नहीं यार ये कैसे करते होंगे। सो देर वॉज वन रूम इन द म्यूज़ियम जो कि 1st floor की कॉर्नर पे ही है। एंड जैसे ही मैंने वहाँ पर एंटर किया एंड जो मैंने देखा, कसम से आई वॉज रियली लाइक वाओ, उस ज़माने में ये कैसे बनाया होगा। देर वॉज कोम थे, हेयर स्ट्रेटनर्स थे, बल्कि हेयर ड्रायर्स भी थे तब के ज़माने में। तो जस्ट इमेजिन कि वो कैसे बनाया होगा एंड किस इमेजिनेशन पावर के साथ बनाया होगा। अल्सो ये कोम, हेयर ड्रायर्स एंड एवरी अदर आर्टिफैक्ट्स जो कि है यहाँ पे, ये कोई वुड से नहीं बनाया गया, ये प्रॉपर आयरन का बनाया हुआ है सब। तो इट्स रियली रियली अमेजिंग एंड मुझे ये रूम देख के मज़ा आ गया। ये तो बस 1st floor था, अभी मतलब और 2 फ्लोर बाकी है। इस म्यूज़ियम में कम से कम 15,000 आर्टिफैक्ट्स हैं, यू बिलीव इट 15,000।
पे ब्यूटी एंड यूटेंसिल आर्टिफैक्ट्स है, अभी सेकंड पे टेक्सटाइल आर्टिफैक्ट्स है, अभी वो देखते हैं। टेक्सटाइल के सेक्शन में ये देखो, यहाँ पे लेदर के पपेट्स है, तब ये पूरी चीज़ लेदर से बनी हुई है। इस फ्लोर पे आपको हर तरह के टेक्सटाइल, मतलब सब चीज़ों का कलेक्शन मिल जाएगा, कपड़ों से लेके पपेट्स तक। सेकेंड फ्लोर पे दो विंग्स है, विंग ए और विंग बी। ए में टेक्सटाइल आर्टिफैक्ट्स है और विंग बी में लैम्प्स के हर तरह का कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, हर छोटे से बड़े लैम्प का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एनिमल की शेप का नट कटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो सब कलेक्शन है। यहाँ से नीचे फिरोदा गैलरी का कलेक्शन है, वहीं पे मस्तानी महल का कलेक्शन भी है, तो भी नीचे चल के देखते हैं। और जब आप सेकेंड से नीचे आओगे तब आपको एवरी प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक वीणा, गिटार, हारमोनियम, इवन तबला, बांसुरी, हर तरह के कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। यहाँ पे पुराने ज़माने का हारमोनियम भी है, दिखाता हूँ। ये एक्चुअली एक क्लोथ पेंटिंग है जो कि गौतम बुद्ध की है, तो उस समय में क्लोथ भी बनाते थे। सो मच अबाउट आर कल्चर दैट वी डोंट नो, एंड मुझे अभी यहाँ आकर पता चला एंड आई एम अमेज्ड कि इतना, मतलब पुराने टाइम में अपन, मतलब पुराने ज़माने में हम काफ़ी आगे थे। यह मस्तानी महल जो कि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी, मतलब ब्यूटीफुल है। ये देखो यहाँ पे मस्तानी जी की पेंटिंग भी है, अल्सो गद्दे भी डाले हैं नीचे, शायद ये आराम घर होगा, यहाँ पे रानियाँ सब आराम करती हैं। और ये इसके सामने बालकनी है जो कि शायद बातें करते होंगे अगर कोई आया गेस्ट, तो यहाँ से आई गेस। जब आप टिकट लेके एंटर करते हो तो आपको ये पिंक बैंड देते हैं कि अगर आप, मतलब शूट करने वाले हो तो समझ में आएगा कि आपने, मतलब टिकट लिया है इसका। नाउ वी आर ऑन द थर्ड फ्लोर जहाँ पे सब स्पेशल एग्जीबिशन है, जो कि ढोल है, नगाड़े है, इवन ये देखो यहाँ पे पेंटिंग्स वाली रामायण भी रखी है जो कि उस ज़माने में थी, और काफ़ी, मतलब स्कल्पचर्स रखे हैं, पेंटिंग रखी है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। यहाँ पे बॉडी आर्मर, इवन स्वॉर्ड्स भी है, ये देखो इसको चिलखत बोलते हैं, गन्स का भी कलेक्शन है यहाँ पे, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक। अल्सो ढाल भी है यहाँ पे। यहाँ पे कैनन बॉल्स है जिसको तोफ घोड़े बोलते थे। एंड एक और चीज़ें दिखाता हूँ आपको, ये देखो जब आर्मी को गन पाउडर कैरी करनी होती तो ये इसमें गन पाउडर कैरी करके लेके जाते थे। फ्लोर पे लिखा था कि पहले थर्ड फ्लोर पे जाना, बाद में सेकंड पे जाना, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं पहले सेकंड पे गया, तो समझ में आया कि सेकंड फ्लोर से आपको सीधा नीचे जाने का रास्ता है और पहले आपको थर्ड फ्लोर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब जो जो है आर्टिफैक्ट्स वो देखने पड़ेंगे पहले, फिर सेकेंड से आपको नीचे मस्तानी महल से एग्ज़िट करना पड़ेगा। कर रहा था मैं, मस्तानी महल से आपको एग्ज़िट का रास्ता इस तरफ है।
जैसे ही आप नीचे के सेक्शन में आओगे जो कि प्रॉपर आइवरी का सेक्शन है, यहाँ पे आपको मतलब हाथी के दांतों से बनाई गई सब चीज़ों का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्रॉस, ये लाठी, ये देखो ये बोट, ये सब स्कल्पचर्स आइवरी हाथी के दांतों से बनाए गए। इवन ये लाठी भी पुराने ज़माने में चेस कैसे हिलते तो खुशी। यहाँ की हर एक चीज़ आइवरी से बनाई गई है, देखो ये चेस बोर्ड भी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आइवरी। ये लॉर्ड के पोजीशन में ये डोर बनाया गया है, ये देखो आपको हर तरह आपको रामा ही दिखेंगे। और ये टेम्पल का डोर है, टेम्पल का फ्रंट डोर जो कि वुड से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हाथी के दांतों का भी डोर आपको दिखाता हूँ, वो भी ये देखो, ये वाले डोर की बात कर रहा था मैं। ये देखो आइवरी और वुडन के बनाया गया है ये, और ये प्रॉपर हाथी के दांतों से बनाया गया। अगर हाथी के दांतों से मतलब डोर कैसे बनाया रहेगा, ट्रूली अमेजिंग। एग्जिट के टाइम यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आप ये कुछ चीज़ें परचेस कर सकते हो इफ़ यू विश। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।